क्या आप भी अपने बालों को कलर करना चाहती हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है ये मार्केट वाले केमिकल भरे कलर आपके बालों को डैमेज ना कर दे, तो आज का वीडियो खासतौर आपके लिए है। चलिए मैं आपका ये डर आज इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी नेचुरल रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आपके बालों को कलर करेगा, साथ ही नरिश करेगा, आपके बालों को ये सिल्की शाइनी बनाएगा। ये कलर आपके बालों में कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएगा, बल्कि इसको यूज करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस कलर को लगाने के बाद आप पार्लर जाके कलर कराना भूल जाएंगे, क्योंकि इस कलर का आपको इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसे बनाने कैसे और कैसे लगाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए। तो फटाफट से चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस नेचुरल कलर को रेडी करने के लिए हमें यहाँ पे लेना है एक चुकंदर, यानी कि बीटरूट हमें लेना है, उसे छील लेना है और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके बाद हमें एक खाली पैन लेना है जिसमें आप पानी वगैरह गर्म करते हैं, उसमें हमें 2 ग्लास पानी इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे चुकंदर लिए थे उस चुकंदर को भी आपको इसी पानी में डाल देना है। उसके बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकाना है अच्छे से। जब पानी जल के 1 ग्लास बचे तब हमें इसे नीचे उतार लेना है और फिर उसे ठंडा कर लेना है। इसके बाद हमें एक कलर को कैसे तैयार करना है आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं इस बाउल में इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक खाली बाउल लेनी है, उसके बाद हमें यहाँ पे 100 ग्राम हीना पाउडर लेना है। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग हीना पाउडर ले सकते हैं या फिर कोई भी मेहंदी ले सकते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 50 ग्राम के करीब यहाँ पे हमने कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड किया है। कॉफ़ी पाउडर हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसके बाद इन दोनों ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे चुकंदर का पानी बना के रेडी किया था, आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें इसमें चुकंदर का पानी ऐड करना है, एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब इसके बाद आपको ओवरनाइट के लिए इस कलर को ऐसे ही ढक के रख देना है। आप चाहें तो इसे प्लास्टिक के पॉलीथीन से ढक सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे किसी भी प्लेट से कवर करके ओवरनाइट के लिए इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप इसे देखेंगे, इसका कलर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ रेड कलर का बन के रेडी हो चुका है हमारा कलर। अब इसे लगाना कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। इस कलर को लगाने से पहले एक दिन पहले आपको अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से धुल लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है। आपको अपने बालों पे कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे कलर बना के रेडी किया है, अपने पूरे बालों की लेंथ में बालों में आपको इस कलर को अप्लाई कर लेना है, लगा लेना है अच्छे से। उसके बाद बालों को अच्छे से कवर कर लेना है, आपको जूड़ा बना लेना है। देन 1 से 2 घंटे के लिए आपको इस कलर को लगा के छोड़ देना है, ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद 1 से 2 घंटे के बाद आपको अपने बालों को नॉर्मल पानी से अपने बालों को धुल लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है। आपको शैम्पू नहीं लगाना है। नेक्स्ट डे आप शैम्पू अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों पर, लेकिन उस दिन आपको अपने बालों पर शैम्पू नहीं लगाना है, उसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आप देख पाएंगे आपके बालों में बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर आएगा, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी लगने वाले हैं, आपके बालों पे एक बहुत ही अच्छा कलर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देख पाएंगे आपके बालों में बहुत ही अच्छा कलर आएगा, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी नज़र आएंगे, आपके बाल बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में। इसके साथ साथ आपके बाल पहले से ज़्यादा थिक लगेंगे और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इस नेचुरल कलर को आप 1 मंथ में एक बार यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलती हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही मेरी वीडियो को स्ट्राइक करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।